फ्रेंड्स, आज हम बातें करने वाले हैं, आप लोगों को बताने वाले हैं कि इस हफ्ते यानी कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे आपका वीकेंड कैसा जाएगा। तो चलिए हम बातें करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रश्मि और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो हम बातें करते हैं इस हफ्ते आप अपना वीकेंड कैसे बिताओ, यानी कि बहुत बैक टू बैक मूवीज देख के। तो जी हाँ, तो आइए बातें करते हैं कि मूवी लिस्ट के बारे में जो कि इस हफ्ते रिलीज होने वाली है। तो सबसे पहले हम बातें करते हैं 11 मूवी की जो कि आज यानी कि थर्सडे को 30 जुलाई को वो रिलीज हो रहा है। ये मूवी दोस्तों की कहानी है, किस तरह से दोस्त एक साथ रहते हैं, फिर दोस्त अलग होते हैं और फिर एक साथ वापस आते हैं। तो ये एक ऐसे दोस्तों की कहानी है। ये मूवी आ रही है G5 पे, जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो। चलो थर्सडे गया, अब हम बातें करते हैं फ्राइडे की। तो देखो, फ्राइडे ऑफिस भी रहता है और बहुत सारे काम भी होते हैं, लेकिन फ्राइडे को इस हफ्ते बैक टू बैक मूवीज आ रही है। तो सबसे पहले हम बातें करते हैं शकुंतला देवी की, जो कि प्राइम पे आ रहा है यानी कि अमेजन प्राइम पे आ रहा है। ये मूवी में विद्या बालन है। ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पे है, यानी कि ह्यूमन कंप्यूटर मैथ से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और मस्ती भी कर सकते हैं, यानी कि जिनको भी मैथ्स पसंद है। वैसे मैं उनमें से नहीं हूँ जिनको मैथ्स पसंद था, बट हाँ, ये मूवी जरूर देखूंगी। आइए हम दूसरी मूवी की बातें करते हैं। तो दूसरी मूवी है जो कि नेटफ्लिक्स पे आ रही है, यानी कि रात अकेली है। ये मूवी नवाजुद्दीन की है, राधिका आप्टे इसमें। अब इस ये मूवी है क्राइम थ्रिलर। अब क्राइम थ्रिलर मैं इसलिए बोलती हूँ कि वो कहते हैं ना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनका सीक्रेट कैसे छुपा रहता है और एक छोटा सा पुलिस वाला किस तरह से उस केस को हैंडल करता है और किस तरह से फंसते जाता है पॉलिटिक्स के बीच में से। तो ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जो कि आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। ये मूवी रिलीज हो रही है फ्राइडे 31st को। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट मूवी की तरफ। तो नेक्स्ट मूवी है लूट केस। लूट केस जो कि हॉटस्टार पे आ रही है। अब वो देखो, अमेजन प्राइम, G5 सब पे, एक लाइन से नेटफ्लिक्स सब पे एक मूवी आ रही है, तो हॉटस्टार पे आ रही है। और हॉटस्टार पे जो लूट केस मूवी आ रही है वो है कुणाल खेमू की। देखो, ये मूवी आने से पहले ही ना बहुत सारे चर्चे का हिस्सा बन चुका था, क्योंकि इस मूवी का जो लॉन्च हुआ था उसमें कुणाल खेमू को बुलाया नहीं गया था और बहुत सारे वाद विवाद, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो ये मूवी एक कॉमेडी मूवी है जो आप इंजॉय कर सकते हो। तो हुई ना बैक टू बैक मूवी। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो चार मूवी आने वाली है, यानी कि 11, लूट के, शकुंतला देवी और रात अकेली है, ये चार मूवी है जो कि हम बैक टू बैक देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अब हम आते हैं वेब सीरीज की तरफ। तो इस हफ्ते एक वेब सीरीज भी आने वाली है, अवरुद्ध, और ये सोनी लिव का एक नया होगा, यानी कि अनदेखी के बाद एक नया वेब सीरीज है। सोनी लिव देखो बहुत ट्राई कर रहा है कि वो भी अपने ये जो वेब OTT प्लेटफॉर्म है यहाँ पे अपनी जगह बना सके, और वो काफी अच्छे अच्छे सीरीज लेके आ रहे हैं। तो ये सीरीज बेस है उरी सर्जिकल स्ट्राइक पे, जो कि हमने ऑलरेडी एक मूवी में देख लिया है। अभी देखो, मूवी में क्या होता है, छोटे 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 पार्ट दिखाए जाते हैं, लेकिन वेब सीरीज में हमें हर कुछ दिखाया जाता है। लाइक काइंड ऑफ दिल्ली क्राइम की अगर हम बात करें, तो दिल्ली क्राइम में जिस तरह से हमें दिखाया गया है, वो पहलू हमने कभी इतना देखा था ना जाना था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो दिल्ली क्राइम सीरीज देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो मैं बातें कर रही थी अनिरुद्ध की, और वो बहुत अच्छी सीरीज होने वाली है, सोनी लिव की एक और। तो गाइस, इस हफ्ते का वीकेंड हुआ ना आप लोगों का मस्ती भरा, क्योंकि लॉकडाउन में और मूवी और सीरीज ना आए। देखो, ये लास्ट वीकेंड जो इतना बोरिंग गया ना, नो मूवी, नो सीरीज, कुछ भी नहीं था देखने को। इस हफ्ते आपका पूरा का पूरा इंजॉयबल होने वाला है, मस्ती भरा होने वाला है। सो आप देखिए सारी मूवीज और सीरीज, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज द क्लब स्टूडियो। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।